फ्रेंड्स, अगर आपने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है, डेट मीन्स आपने भी रिसेंटली यूट्यूब पे एक अपना न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है और आप उस यूट्यूब चैनल के लिए एक प्रोफेशनल लोगो क्रिएट करना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो बड़े आसानी से अपने स्मार्टफोन से एक प्रोफेशनल लोगो क्रिएट कर सकते हो, वे भी सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट में। साथ ही मैं बताऊंगा कि आप कैसे जो उसे अपने चैनल पे ऐड भी कर सकते हो। अगर आप आज के इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप भी अपने चैनल के एक प्रोफेशनल लोगो क्रिएट कर सकते हो। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं बता दूं ये YouTube सीरीज का मेरा 3rd वीडियो है और सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ आप चैनल के लिए कैसे एक बैनर क्रिएट कर सकते हो, तो वे वीडियो जैसे ही अपलोड होता है आपको लिंक आई बटन पे मिल ही जाएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर दे, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं आगे भी आप सभी के लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट शेयर करता रहूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो कर देते हैं स्टार्ट और चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लोगो बनाने के लिए यूज़ करूँगा पिक्सआर्ट। तो पिक्सआर्ट पे क्लिक करना है, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया। आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपको एडिट फोटो पे चले जाना है। यहाँ से आपको बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको जो कलर का बैकग्राउंड चाहिए अपने लोगो के लिए सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से लिए रेड बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने लोगो के लिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा शेप मास्क का, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओपेसिटी 50 रहेगा तो इसे 100 कर लेना है। और यहाँ पे बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, तो आपको यहाँ पे जो है कर लेना है ब्लैक। तो ब्लैक करने के बाद आपको क्या करना है, राइट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से फ्रेंड्स, आपको राइट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट ऐड कर लेना है, जो भी आपका चैनल का नाम है उसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे लिख लेना है। जैसे कि मेरा चैनल का नाम है अमर फॉर यू, तो यहाँ पे मैं ए ऐड कर देता हूँ और यहाँ से आपको राइट पे क्लिक कर देना है और इसे एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स दिख जाएंगे, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो चलिए मैं यहाँ से एक अच्छा सा कोई फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने लोगों के लिए। तो यहाँ से मैं ये वाले फॉन्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इसे थोड़ा आप अपने अकॉर्डिंग आपको इसे एडजस्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे इसे कुछ यू एडजस्ट कर लेता हूँ। आपको जो यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट करना, बहुत सारे फॉन्ट्स दिख जाएंगे, तो आपको जो फॉन्ट चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको थोड़ा इसे एडजस्ट कर लेना और फिर यहाँ पे आपको राइट पे क्लिक कर लेना है। अब फ्रेंड्स, आपको राइट पे क्लिक करने के बाद आपको अब करना क्या है, फिर से टेक्स्ट पे जाना है। अब टेक्स्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ से एल ऐड करना है, एल, और यहाँ से आपको फिर से राइट पे क्लिक कर देना है। अब इसे थोड़ा सा आपको जूम करना है और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देना है यहाँ पे, और इसे थोड़ा आपको छोटा कर लेना है और आपको इस कुछ यहाँ पे यू एडजस्ट कर लेना है। यहाँ से आपको थोड़ा इसे पतला करना है ताकि ये बिल्कुल इसके शेप में आ जाए। अब यहाँ से फ्रेंड्स आने के बाद आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट मेरा बच जाता है, तो इसे क्या करना है, फिर इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ एक इरेज का ऑप्शन है, इरेज पे क्लिक करना, तो आपको हार्डनेस आपको 100 करना है और साइज थोड़ा आपको कम कर लेना है। फिर यहाँ से फ्रेंड्स आपको थोड़ा इसे जूम करना है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है आपको यहाँ से रिमूव कर देना है। आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट जो भी दिख रहा है आपको यहाँ पे रिमूव कर देना है। यहाँ से आप रिमूव करो और थोड़ा ऊपर में भी आपको रिमूव कर देना, थोड़ा आपको छोटा दिखना चाहिए ये वाला, ताकि आपका अच्छा दिखे। अब आप फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे आपका कुछ यू दिख रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ से फिर से आपको राइट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आप फिर से आपको राइट पे क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स फिर से आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको नीचे जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ड्रॉ का, तो ड्रॉ पे सिंपली क्लिक करना है, फिर से ड्रॉ का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब ड्रॉ पे क्लिक करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यही वाला ऑप्शन रहने देना है जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको ओके क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपको बैकग्राउंड में कलर मिलेगा, तो यहाँ से आपको रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है। अब रेड कलर सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा कट लगा लेना है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, देख पा रहे होंगे यहाँ यहाँ बीच बीच में आपको कहेंगे कट लगा देना, जिससे कि आपका लोगो कुछ अट्रैक्टिव दिखे। और यहाँ से आपको एक यू कट लगा लेना है, जैसा कि आपको यहाँ पे अच्छा दिखे आप लगा सकते हो, और चाहे तो आप कहीं कहीं कट वगैरह लगा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और लगा देता हूँ। तो इस तरह आपको कट लगा लेना है, फिर आपको राइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से करें फ्रेंड्स आपका जो है 70% काम हो चुका है। अब उसके बाद फ्रेंड्स फिर से आपको टेक्स्ट पे जाना है, टेक्स्ट पे जाना है और अपना चैनल का नाम आपको लिख देना है, जैसे कि मेरा यहाँ पे अमर फॉर यू है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ से आपको फिर से राइट पे क्लिक करना है, राइट पे क्लिक करना है, इसे थोड़ा जूम कर लेना है और इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है, जो कि इस पर अच्छा दिखे। उसके बाद फ्रेंड्स आप जो फॉन्ट चाहो यहाँ से ले सकते हो। अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैं प्रीमियम भी यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको भी प्रीमियम चाहिए तो इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिंड मिल जाएगा, इस ऐप का प्रीमियम वर्जन, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ से आप जो भी चाहो फॉन्ट यहाँ से ऐड कर सकते हो, यहाँ पे प्रीमियम भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो सपोज डेट में चलिए यहाँ से कोई भी ऐड कर ले, तो मैं सपोज डेट ये वाला ऐड करता हूँ। अब यहाँ से आपको इसे थोड़ा क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा शैडो का, तो शैडो पे क्लिक करके आपको थोड़ा शैडो कर लेना है।
अभी आपका लोगो जो है बन चुका है। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और अब आपको सेव करने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। सेव करके आपको सेव पिक्चर ऑन योर डिवाइस पे क्लिक कर देना है और ये आपका जो है सेव हो चुका है गैलरी में। अब फ्रेंड्स इसे चैनल लोगो लगाने के लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब पे आना है, अपने चैनल को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको लोगो पे क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करने तो आपको योर चैनल पे क्लिक कर देना है। योर चैनल पे क्लिक करने के बाद एडिट चैनल पे क्लिक करना है। एडिट चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लोगो वाले पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे चूज़ फ्रॉम योर फोटोज़ पे क्लिक कर देना है। यहाँ से करने के बाद आपने जो लोगो बनाया है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मेरा मिल गया। अब यहाँ से आप थोड़ा इसको थोड़ा आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे करोगे ये आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब फ्रेंड्स मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने चैनल के लिए एक प्रोफेशनल बैनर कैसे क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये मेरा जो है लोगो सेट हो चुका है और काफी प्रोफेशनल दिख रहा है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दें जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक जो है अपने चैनल के लिए प्रोफेशनल बैनर क्रिएट कर सकते हो। तभी मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।